नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव 2021 में क्या प्लानिंग होगा। हर बूथ पे हम लोग जाएंगे, लोगों तक जाकर के उनसे बात करेंगे, उनकी असुविधाएं सुविधाएं जानेंगे और विधानसभा कैसे जीता जाए, लोगों के साथ रह करके खड़ा रह करके काम करेंगे। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय अंजय पासवान, भारतीय जनता युवा मोर्चा, कुलटी विधानसभा प्रेसिडेंट एक्स, पहले था, अभी एक आम कर्मी हूँ भारतीय जनता पार्टी में। क्या पार्टी द्वारा आपको उम्मीदवार का घोषणा कर दिया गया आपके नाम का? जी नहीं, हमने अपना पर्चा भरा है। सप्ताह भर पहले मैं कोलकाता गया था, वहाँ हमने आवेदन पत्र दे करके आया है। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? उम्मीदवार कोई भी हो हमारे कुलटी विधानसभा से, उसको हम लोग जिताएंगे, सब मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके, एक दूसरे के साथ मन से मन मिला करके उनको जिताना है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा, आपके सामने कुलटी के दिग्गज और हैवी वेट कहे जाने वाले, जो कुलटी का चाणक्य भी कहा जाता है उन्हें, उज्जल चटर्जी हैं, तो क्या आपको लगता है उनसे जीत पाएंगे आप? मैं आपको बता दूँ, दूर का ढोल सुहाना लगता है, ठीक है। उज्जवल चटर्जी चिनाकुड़ी में तो शेष हो चुका है, चिनाकुड़ी में उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं रहा। अगला बार जो वार्ड का चुनाव हुआ था उसमें हम लोग वार्ड नंबर 100 में 2290 वोट लाए थे, वार्ड नंबर 101 में लगभग 1800 वोट लाए थे। कुलटी विधानसभा में कितने बूथ हैं? कुलटी विधानसभा में टोटल 262 बूथ है। तो 262 वोट में अगर कुलटी, अगर चिनाकुड़ी में एक बूथ में अगर उनका हार होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? लगभग हम लोग 49,466 वोट लाए थे, डॉक्टर अजय पुद्दार जी हमारे पुराने प्रत्याशी थे, और 18,000 वोटों से हम हारे थे। आप जनता के सामने क्या समस्या, क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे? जनता के सामने मोदी जी के जितने योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर जाऊंगा, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब योजना को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे। ये चीज तो स्टेट सरकार भी चला रही है। सरकार तो अराजकता फैला रही है। मैं बोलता हूँ, जब आयुष्मान योजना भाजपा सरकार की चल रही है तो उन्हें शास्त्रों साथी कार्ड देने की क्या दरकार है? आप आयुष्मान योजना कोई लोगों के बीच इंप्लीमेंट करिए, शास्त्रों साथी कार्ड लाने का क्या दरकार था आपको? कुलटी विधानसभा मार क्या आपका समस्या लगता है ऐसा, जो आप जीतने के बाद उसे पूरा करेंगे? कुलटी विधानसभा में पहले सबसे पहला समस्या है पानी, दूसरा समस्या है रोड, तीसरा समस्या है रोजगार, तो चौथी समस्या है हॉस्पिटल। ना अच्छा स्कूल, ना अच्छी हॉस्पिटल, ना हमारे माँ बहनों के लिए मार्केट प्लेस में शौचालय है, जो मैं सबसे पहला काम यही सब करूँगा। उल्टी में देखा जा रहा है कि उज्जवल चटर्जी के द्वारा काफ़ी विकास का काम किया गया है या प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कि मतलब काफ़ी काम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कुलटी का विधायक मात्र 20,000 वोट लाएगा, 20,000 वोट से अगर एक वोट भी ज़्यादा ले आता है तो अंजय पासवान राजनीति करना छोड़ देगा। आपने पानी का मुद्दा कहा, तो पानी तो ऑलरेडी सबके घर 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 पहुंच चुका है, नल लग चुका है घर में सबके, तो पानी किसने लाया है? पानी अमृत योजना के तहत सेंट्रल सरकार की पानी की योजना है, ठीक है, इसमें 60% हमारे केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ, 40% राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है। हमारे बाबुल सुप्रियो जी ने ये पानी कुलटी में लाने का काम किया, और आसनसोल पूरे लोकसभा में पानी लाने का बाबुल सुप्रियो जी ने काम किया है। रोजगार को लेकर क्या करेंगे आप विधानसभा में, कुलटी विधानसभा में? अब हमारी सरकार बनेगी, अब उन योजनाओं पर काम की जाएगी, जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर रहेंगे, अब जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। केंद्र की सारी योजनाएं क्या यहाँ के लोगों को मिल रही है? नहीं, केंद्र की योजनाएं यहाँ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि यहाँ पे हमारे राज्य सरकार ममता बनर्जी जी का है, वो बहुत सारे अड़चन पैदा कर रही है, लोगों तक उन योजनाओं का लाभ होने नहीं दे रहा। कौन कौन सा योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो आज तक पहुँची नहीं यहाँ पे? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, ठीक है, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना।
और क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही है कुल्टी के लोगों को? नहीं जी, एकदम नहीं। कुल्टी के लोग परेशान है कि कब वोट आए, हम लोग उज्जवल चटर्जी को बुखार के यहाँ से फेंक दें। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है कि कुल्टी में भाजपा के आपस में गुटबाजी चल रही है, जिसका मतलब एक नमूना देख सकते हैं कि 3 दर्जन लगभग नॉमिनेशन जो है वो किया गया है विधानसभा को लेकर। देखिए, सभी का अधिकार होता है कि हम पार्टी कर रहे हैं तो हम प्रत्याशी हों, सभी आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अब ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी किसे टिकट देगी। भाजपा मतलब कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा चेहरा रहेगा? मैं तो इसके बारे में क्या बोलूँ, ये पार्टी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक राय दे सकता हूँ। क्या साफ सुथरा चेहरा रहेगा या फिर उसी तरह से कोई? देखिए, मैं अपना निर्देश देना चाहता हूँ, अपनी राय देना चाहता हूँ कि पार्टी अगर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बारे में टिकट के लिए सोचे तो कुल्टी हम लोग आराम से जीतेंगे। और जो लोग हवा हवाई राजनीति करते हैं वैसे लोगों से दूर रहें, और जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उन लोगों को अगर टिकट दिया जाएगा तो भारी मात्रा से हम लोग कुल्टी विधानसभा जीतेंगे। कुल्टी विधानसभा में रोजगार का भी समस्या है जी, क्या यहाँ पे कल कारखाने या ऐसा कुछ रोजगार का सुविधा दिया गया है जिससे लोगों को अन्यत्र राज्यों में ना जाना पड़े? मेरे साथ अभी बप्पादित्य मंडल सीतारामपुर के जो ताबड़तोड़ नेता है और युवा मोर्चा कुल्टी मंडल खोर के अध्यक्ष भी है, मैं चाहूँगा उनसे जरा आप रूबरू। और हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं तरुण पाल जी जो युवा मोर्चा अध्यक्ष है कुल्टी ब्लॉक 3 के, तो मैं चाहूँगा कि इनसे भी कुछ सवाल जवाब किया जाए ताकि ये कुल्टी के बारे में आपको कुछ बताए। बप्पा जी, आप क्या बोलेंगे रोजगार के बारे में? আমি বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, সবার প্রথম হচ্ছে রোজগার। আমরা দেখেছি দিদির আমলে একটাও শিল্প আপনারা তো দেখছেন বিগত 10 বছরে একটা শিল্প আসেনি, অথচ উঠে চলে গেছে। আর মোদিজির নেতৃত্বে আপনারা দেখছেন স্কিল ইন্ডিয়া, ডেভেলপ ইন্ডিয়া, নানা ধরনের প্রোগ্রাম অলরেডি ও সেট আপ করে রেখেছে। আজকে বিদেশে যেটা চাইনিজ প্রোডাক্ট ধীরে ধীরে বন্ধ করার মুখে আছে, তো আমাদের স্বনির্ভর যে যোজনাগুলো আছে সব দেশের মধ্যে চালু হবে। তো আমরা যদি আশা করছি, আশা না পুরো পূর্ণ বিশ্বাস যে আমরা 2021 জিতছি, আর 2021 জিতার পর পশ্চিমবঙ্গকে বড় কিছু গিফট মোদীজি নিশ্চয়ই দেবে। দেখা যায় তো তৃণমূল সরকার ভি ছাত্রকে লিয়ে काफ़ी काम किया है, कन्याश्री, सबूत साथी, सब योजना लेकर के आया जाए ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? तृणमूल तो हम तो बोलेंगे कोई श्री नहीं, तृणमूल को श्री नहीं, शुद्ध धापा श्री करे, शुद्ध धापा श्री करे। आज 10 बजे चलिए गल, आज के दीदी एत दिन मन पड़े स्वास्थ्य साथी दीते हैं, दीदी की 10 बचर आगे मन छो ना कथाटा, जेटा মোদী করছে তার ডুপ্লিকেট একটা নাম দিয়ে পদে বসে থাকছে, এই তো যে দিদির কাজ। আপনি বিধানসভা মে এক ফ্যাক্টরি তো খোলা হয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি রোজগার কে লিয়ে। আপ আইসক্রিম ফ্যাক্টরি খোলা হয়, আপ হম ইস বিষয় মে লোকা মে আনা চাতে কি হম লোকা উজ্জ্বলদা কোর্ট আর নকরি ওয়া পর লাগা হ্যায়, থোড়া উজ্জ্বলদা সে পুছ লিজিয়েগা। সব বাহার কে লোগো সে পয়সা লে করকে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি মে ঢোকায়া জা রাহা, লেকিন কুলটি বাসিও কো ইসকা ফায়দা নাহি হো রাহা। Not a single person वो उस आइसक्रीम फैक्ट्री में चांस नहीं मिला ड्यू टू सिर्फ पैसा के लिए, सब पैसा लो और नौकरी लो, उसमें भी आदमी लोग कटौती छटौती चल रहा है। एक और समस्या देखा जाता है कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे हिंदी भाषी काफ़ी संख्या में है, लेकिन हिंदी माध्यम का एक भी कॉलेज यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण यहाँ के हिंदी भाषी छात्रों को काफ़ी समस्या होती है, उसे मैथन वगैरह जाना पड़ता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? দিদির উন্নয়ন আর কি বলা যায়, উন্নয়ন ছাড়া এটা আমাদের লজ্জার বিষয় যে একটা হিন্দু কলেজ নেই, আমাদেরকে পাশের রাজ্যে যেতে হচ্ছে। তো এইটি আপনাদের চোখের সামনে আপনারা উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন মোদী এলে সব হবে, স্কুল হবে, কলেজ হবে, রোজগার হবে, সবই হবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমার নাম টিঙ্কু পাণ্ডে, আমি আম নাগরিক, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। आज मैं करीब 10 साल से सक्रिय राजनीति में भी अंजय पासवान के साथ में हूँ।
क्योंकि ये ऐसा कर्मठ नेता है जो एक जमीनी स्तर से उठ के इस जगह पर खड़ा हुआ है और आने के बाद इसमें एक ऐसा आत्मविश्वास जगा है कि जो आज कुलटी को एक नया पथ का अग्रसर करने का कोशिश में लगा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार कुलटी को एक ऐसा एक युवा नेता मिले जो कुलटी को एक नए पथ के ऊपर ले जाए जिसमें उन्नयन का बरसात हो और हर तरह का सुख सुविधा जिससे अभी तक कुलटी वासी यहाँ पे वंचित हैं और चाहे वंचित रहे हैं तो अंजय पासवान के माध्यम से वो जितना भी सेंट्रल का योजना है वो यहाँ का हर वासिंदा के पास में पहुँचे। आपने पहुँचे अभी कुलटी से ही युव मोर्चा प्रेसिडेंट। आप कैसा नेता चाहते हैं विधानसभा में? देखिए हमारा कुलटी के युव मोर्चा प्रेसिडेंट आज এটা বড় কথা বড় কথা হচ্ছে আমি সব কিছু বলেছি আমি বিজেপি কে ভালোবাসি ঠিক আছে আমি চাইছি যে আমাদের মধ্যে যে কুলটির এমন একটা নেতৃত্বের জায়গা আসুক যে মানুষের কথা ভাবে সবসময় তাদের পাশে থাকি তো সেই জায়গা থেকে অঞ্জে পাশন্ত আমি দেখেছি লড়াই করছে সে প্রত্যেক মানুষের পাশে যেতে থাকে এবং মানুষ অঞ্জে পাশন কাছে আবদার নিয়ে আসে যথাসাধ্যভাবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী যেটা আছে সবার পাশে থেকে সমাধান করার চেষ্টা করে এটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। कुलटी विधानसभा में कुछ समस्या ऐसा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? बोलते गले क्या बोला जाए दुर्भाग्य एटा है जे हमारे जुज्जल बाबू मानुषे जे एकटा आशा ठीक है जे आज के हमें देखी जो प्रत्येक ग्राम आज किछु जगह उन्नत हो चेटा ना बोलबो ना जे हय ना किंतु हमें जदि हमारे वार्डर कथा बोली 99 वार्ड সেই জায়গার মধ্যে একটা ভালাডিয়া ঘুর মিনবান সেখানে গেলে অন্তত বুঝতে পারা যাবে যে ওখানে মনে কোনো মানুষের বসবাস না মনে কোনো জঙ্গল মনে মানুষ থাকে। তো বিগত 15-20 বছর ধরে দেখলাম না যে জায়গাটার মধ্যে কেউ একটা নজর দিয়েছে বিশেষ করে উজ্জ্বলদার উজ্জ্বলদার পরে ওখানে মানুষ প্রচণ্ড ক্ষোভ আছে এবং আমাদেরও যাতায়াত করতে হয় সেই জায়গায় আমরা মাঝপথে যদি বৃষ্টি নেমে যায় সেখানে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় রাস্তাটা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। अगर अंजय पासवान को अगर उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? जो पार्टी को जो निर्देश है हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जी पार्टी सम्मान आगे पार्टी जो निर्देश है अन्य का होके तार ऊपर हमरा कुछ बोलते पारे ना क्या এটা হচ্ছে আমাদের এটা বিজেপি পার্টির যেটা আছে আমরা এটা সম্মান যেটা আছে পার্টি যাকে সিলেক্ট করবে সেটা আমাদেরকে মাথা পেতে নিতে হবে এবং খুব সম্মানের সহিত আমরা তার পাশে থাকব। তার পাশাপাশি একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যেহেতু আমরা যে সংগঠনের মধ্যে যেহেতু আছি ঠিক আছে সেই সংগঠনের মাধ্যমে আমাদেরকে বিচার করতে হয় যে কারা কাজের মধ্যে আছে কিন্তু আমার নজরে শুধুমাত্র বলাটা ভুল হবে অনেক মানুষের মুখে যেটা আছে জনজীব পাশনকে নেতৃত্ব এমএলএ জায়গা দেখতে চাই বিধানসভা জায়গা বলে অনেক মানুষের মুখে একটা হাসি ফুটবে এটা কিন্তু আমি অনেক জায়গায় ঘুরে ফিরে দেখেছি।